वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गी इन वेरियस हैबिटाट्स। हैबिटाट्स क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स वेयर इट लीव्स इज कॉल्ड हैबिटाट। जिस इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अपने अडाप्टेशंस होते हैं, अनुकूलन होते हैं और वो वहाँ रह सकता है, वो हैबिटाट कहलाता है। एल्गीज आर यूनिवर्सली प्रेजेंट, बेसिकली दे आर एक्वेटिक बट दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स। हालांकि हम सभी जानते हैं कि शैवाल इस धरती पर तब आए थे जब कहीं भी जीवन नहीं था। पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले प्लांट थे और उस समय ये पैदा हुए जब इस धरती पर सब जगह पानी ही पानी था। सो एल्गी आर एक्वेटिक इन नेचर, लेकिन फिर भी इस ग्रुप के कई सदस्य अनयूजुअल हैबिटाट्स या डिफरेंट हैबिटाट्स में भी देखे जाते हैं। On the basis of habitat, algae are classified into following four groups. तो यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें आप इजीली देख पाएंगे कि on the basis of habitat हम algae को कितने ग्रुप्स में बांट सकते हैं। So, aquatic, terrestrial, aerial and unusual habitat. Aquatic आप जानते हैं जलीय, टेरेस्ट्रियल स्थलीय ज़मीन पर पाए जाने वाले, एरियल हवा में पाए जाने वाले, या अनयूजल हैबिटाट जो असामान्य अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट के जो एल्गीज होते हैं वो दो तरह की सिचुएशंस में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर रिवर का वाटर, पॉन्ड, लेक, ये सब जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर, और हाईली साल्टी वाटर और मैराइन वाटर। एल्गीज दे हैव देयर ओन डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस, सो दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर हैबिटाट ऑल्सो। टेरिस्ट्रियल हैबिटाट दो तरह के हो सकते हैं, दे मे बी सेपोफाइट और क्रिप्टोफाइट। सिमिलरली एरियल हैबिटाट दे मे बी इपीफिलोफाइट, इपीफिलोफाइट, इपी फ्लोफाइट, लिथोफाइट, इपीजूफाइट। सिमिलरली अनयूजुअल हैबिटाट में पाए जाने वाले एल्गीज जिन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट, इपीफाइट, इपीजोइक, एंडोजोइक, सिम्बायोटिक, क्रायसोफाइट, पैरासिटिक एंड थर्मोफाइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज दैट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्वेटिक एल्गीज, पानी में पाई जाने वाली एल्गीज। एल्गीज आर बेसिकली एक्वेटिक थैलोफिटिक प्लांट। हम दोबारा बता दें, थैलोफिटिक प्लांट का मतलब होता है वह प्लांट जिसे हम लीफ, स्टेम या रूट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देन फ्रेश वाटर एल्गीज, दे अकर इन लो सेलिनिटी वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। द एल्गी प्रेजेंट आर सम एग्जाम्पल्स लाइक क्लैडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। दे ऑल आर फ्रेश वाटर एक्वेटिक एल्गी। अगर हमें इनके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं तो हमें इसके सोर्स के लिए किसी फ्रेश वाटर सोर्स पर, रिसोर्स पर जाना होगा। देन स्टैग्नेंट वाटर और लेंटिक वाटर एल्गीज। स्टैग्नेंट वाटर देखिए हमने दिखाया भी है, जो किसी जगह रुका हुआ पानी होता है। एक तो होता है लोटिक वाटर जो बहता रहता है, सेकेंड वन इज़ लेंटिक वाटर जो कि रुका हुआ होता है। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेंटिक वाटर एल्गीज आर क्लैमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन, जिग्निमा, क्लोरोकेट, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम एंड नाइटेला। अबव एल्गिल स्पीशीज आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर ऑफ वेल, पॉन्ड एंड लेक, जहाँ गड्ढे होते हैं, जहाँ रुका हुआ पानी होता है जो बहता नहीं है, उस पानी के लिए, उस पानी पर ये सारी एल्गीज प्रेजेंट होती हैं। देन रनिंग वाटर और लोटिक एल्गीज लाइक रिवर्स, बहते हुए पानी में जो एल्गीज पाई जाती हैं।
So algae found in running water are cladophora, cara, eulothrix, botryticum or botryticospermum. Then marine water. Marine water, जैसा कि आप जानते हैं, it is highly saline water, बहुत नमकीन पानी होता है ये. And plants should have their own adaptation characteristics to survive in this kind of habitat. So members of the Phaeophysae and Rhodophysae occurs in oceanic or salt rich sea water in the sea. Trichodermium erythricum is dominantly present, which gives red color. Some other examples, अधिकतर Phaeophysae और Rhodophysae के members होंगे, यानी कि green algae, brown algae and red algae के members होंगे. Example like Ectocarpus, Fucus, Laminaria, Sargassum, Polysiphonia, Volvox, etc. Similarly, other are phytoplanktons or water blooms. They are free floating algae, forms dense colonies on the surface of the water, which is known as water blooms. तो water blooms आपने सुना भी होगा, पुरानी क्लासेस में पढ़ा भी होगा. तो वाटर ब्लूम का मतलब क्या होता है कि सरफेस के ऊपर बहुत सारी एल्गीज एक ग्रुप बना लेती हैं, बहुत डेंस लेयर बना लेती हैं, जिसे वाटर ब्लूमिंग कहते हैं. और ये वाटर ब्लूमिंग दोनों तरह की सिचुएशंस में हो सकती है, ये फ्रेश वाटर एल्गी में भी होती है और मैराइन वाटर एल्गी में भी होती है. सो वन एग्जाम्पल इज़ फ्रेश वाटर एल्गी. So fresh water algae, when algae forms a dense colony on surface of river, pond or dumping areas like Volvox and Cosmarium, these are fresh water blooms. Marine water blooms are Actinocyhalous. Similarly, another word is also coming like Phytobenthos. ये शब्द भी सुनने में आता है, फाइटोबेंथोस किसे कहते हैं. एल्गीज फाउंड अटैच टू द रॉक्स नियर एज ऑफ द लेक्स एंड सी आर नोन एज फाइटोबेंथोस. तो जो नदी के किनारे किनारे जो पत्थर होते हैं या नदी के किनारे का जो एरिया होता है, वहाँ पर पाए जाने वाली जितनी भी एल्गीज होती हैं, उनके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फाइटोबेंथोस. तो ये तो बात हुई एक्वेटिक हैबिटाट की. अब हम देखें टेरिस्ट्रियल हैबिटाट, यानी ज़मीन पर एल्गीज कैसे प्रेजेंट होती हैं. तो ज़मीन पर जो एल्गीज प्रेजेंट होती हैं वो टेरिस्ट्रियल एल्गी कहलाती हैं. इसके देखिए दो फॉर्म्स हो सकते हैं, सेपोफाइट एंड क्रायोफाइट्स. तो पहले हम बात करें सेपोफाइट्स की. एल्गीज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर नोन एज सेपोफाइट्स. जो अर्थ की सरफेस के ऊपर पाई जाएंगी उन्हें हम कहेंगे सेपोफाइट्स. फॉर एग्जांपल वोचीरिया, यूग्लिना, बोट्राइडियम, ये सब ऐसी हैं जो अर्थ की, लेकिन वहाँ पर मॉइस्ट एरिया होगा उस जगह पर ये प्रेजेंट होती हैं ज़मीन के ऊपर. सेकेंड वन इज क्रिप्टोफाइट्स. These are the special algaes found under earth surface are known as cryptophytes. आपने नाम सुना है नॉस्टॉक, एनामीना, ये दोनों नाम आपने सुने हैं. दे बोथ आर ब्लू ग्रीन एल्गीज और ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, आप जानते हैं. तो दे आर ऑल्सो द ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोफाइट, क्योंकि क्रिप्टोफाइट एल्गी में एल्गीज वो एल्गीज हैं जो ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होती हैं. सो अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरेला ऑल्सो. Another habitat, aerial habitat algaes. Aerial means they are present above ground. ज़मीन के ऊपर की तरफ present होंगी, तभी हम इसको aerial habitat कहते हैं. They may present on the plants or animals or rocks etc. But above the ground, then it is called aerial habitats. Various type of aerial habitat algaes. Epiphyllophyte. Epi means outer surface. Phyllo means leaf. Phyte means plant. So algae survive on the outer surface of the leaf of the large trees are known as epiphyllophytes. जो बड़ी leaves हैं उन बड़ी leaves के outer surface पर अगर कोई algae present है तो हम इसे कहते हैं epiphyllophyte. For example, Eclipia
प्लांट है उसकी लीफ पर एक एल्गी प्रेजेंट होती है, रोडोकाइट्रियम एल्गी। तो क्योंकि ये इस प्लांट की लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इस हैबिटेट का नाम देते हैं ईपी, आउटर सरफेस, फाइलो, लीफ प्लांट, किसी प्लांट की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट एल्गी। नेक्स्ट वन इज ईपी फेलो फाइट। तो फैलम हम जो वर्ड लगाते हैं वो उसका मतलब होता है बार्क। तो अगर कोई एल्गी किसी दूसरे ट्री की बार्क या छाल के ऊपर सर्वाइव करती है तो इसे हम कहते हैं एपिफ्लोफाइट। फॉर एग्जांपल हैप्लोसाइफोन, साइजोथ्रिक्स, फेरिडीनियम, ये सब की सब एल्गीज जो हैं दे आर एपिफ्लोफाइट्स। नेक्स्ट वन इज़ लिथोफाइट। स्पीशीज ऑफ द एल्गी प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट रॉक्स और वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स आर नोन एज लिथोफाइट्स। चट्टानों के ऊपर पाई जाने वाली जो एल्गीज होती हैं उन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिथोफाइट का साइटोनिमा एंड फेरिडीनियम। तो हम इसको पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा, अगर हमसे किसी ने कहा कि साइटोनिमा का सैंपल हमें लाना है तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो कि उसको हम कहाँ से लेकर के आएंगे, उसका हैबिटेट हमें पता होना चाहिए। और जिस तरह का हैबिटेट होगा उसके अंदर वैसे ही अडाप्टेशंस होंगे। एपिज़ूफाइट। एल्गीज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। जू का मतलब ही होता है एनिमल, ईपी मतलब आउटर सरफेस। तो ऐसी एल्गीज जो किसी एक्वेटिक एनिमल की बाहर की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं दे आर एपिज़ूफाइट्स। फॉर एग्जांपल कीटोफेरोल्स। Then, next one is unusual habitat. Unusual habitat because it has 9 types or 11 types. So, मैंने इसको एक टेबल में डाल दिया है ताकि आपको समझने में इसको बहुत आसानी रहे। The first unusual habitat is halophyte. Halophyte algaes. These algaes found in the saline water or salt lakes. They are present in the lakes, but some lakes have high amount of the salt. तो वहाँ ये present होंगी। Examples: Chlamydomonas, Stephanopterodenilium, then epiphyte. They grows on the body surface of the large algae. Epi means upper surface, phytic means plants. तो ये वो algaes होंगी जो किसी बड़ी algae के ऊपर present होती हैं। Example: Cladophora, Rhizocolorium, Voucheria. Similarly, देखिए ये एक algae है, this is the large algae, और उसके ऊपर कुछ microspora या other algaes, Udogonium, all these algaes are present on the upper surface of the another large algae, then it is known as epiphytic algae. Then another one is epizoic. As per name suggest, epizoic. Zoic का मतलब होता है animal. So they grown on the surface of animals. For example, cladophora on the surface of snail. Similarly, stig Cocolonium on the gills of the fish, Cara crispus and Caraceum legs on the Brachiopus. तो ये कुछ animals के पेट, पैरों पे, snails पे या fishes के gills में present होने वाले algaes हैं। Then endozoic. Endo means inner surface. तो जब शरीर के अंदर algaes present होती हैं then they are known as endozoic. Then algaes survive in the tissues of animal. आपने सुना है Hydra green color का दिखाई देता है, Hydra viridis, due to presence of Zooclorella algae. Because Zooclorella algae जो है वो Hydra के tissues में फैली हुई रहती है. Another one is like Oscillatoria in the respiratory tracts of the bird. Another types is symbiotic association. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का आप मतलब जानते हैं, यानी कि जब दो एनिमल्स या दो प्लांट्स या प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनी टू इंडिविजुअल्स हैव एसोसिएशन विद प्लस प्लस रिलेशनशिप,
जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, देन दे आर नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवन। तो यहाँ क्या होता है कि जो जैसे एंथोसिरोस विच इज़ ए ब्रायोफाइट, इसके थैलस के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है। इसी तरह से एंजियोस्पर्म में पैडी सेल्स जो होती हैं, धान जो होता है उसकी रूट्स में प्रेजेंट होती है एल्गी। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है साइकस, इस साइकस के अंदर प्रेजेंट कोलोरॉइड रूट्स होती हैं जिसके अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है। सिमिलरली अजोला विच इज़ ए टेरिडोफाइट, इसकी सेल्स लीफ सेल्स के अंदर भी एल्गी का एसोसिएशन प्रेजेंट होता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये साथ में रहती हैं। अधिकतर कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं लाइक नॉस्टॉक, एनाबीना, दे हैव हेट्रोसिस्ट इन देयर कॉलोनी विच हैज़ एंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये प्लांट से अपना फूड लेती हैं और प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देती हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्राइसोफाइट। नाउ दे कैन सर्वाइव ऑन आइस ऑफ द एंटार्क्टिका एंड अल्पाइन माउंटेन्स, जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ एल्गीज प्रेजेंट होती हैं। एल्गीज बहुत ज़्यादा हार्ड इन्वायरमेंट, हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये आइस के ऊपर एक लेयर बना देती हैं और जिस तरह की एल्गी होती है हमें वो आइस उसी कलर की दिखाई देती है, लाइक रेड आइस जो है वो हमें दिखाई देती है हिमेटोकोकस नेवेलिस के कारण। सिमिलरली ग्रीन आइस क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस के कारण, ब्लैक आइस जो है वो हमें स्कॉटिला नेवेलिस के कारण दिखाई देती है। रोफिडोनिमा और ये जो एल्गीज हैं ये हमें ब्राउन कलर की आइस दिखाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एल्गीज हैं जो आइस में सर्वाइव करती हैं। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिटेट इज़ पैरासिटिक एल्गी। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेजुएशंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, नेम ऑफ द पैरासिटिक एल्गी। बिकॉज जो एल्गीज होती हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, तो सामान्यतया वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अनयूजुअल हैबिटेट के अंदर पैरासिटिक एल्गीज प्रेजेंट हो सकती हैं। तो एक एल्गी है सिफिलूरस, दिस एल्गी दिस इज़ द मेम्बर ऑफ क्लोरोफाइसी। ये जो सिफिलोरस एल्गी है ये चाय, देखिए हमने याद रखने के लिए चाय बनाई है, चाय की जो लीव्स होती हैं टी लीव्स जो होती हैं उसके अंदर रेड रस्ट नाम की डिजीज़ कॉज करती है। ये आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है क्योंकि रस्ट डिजीज़ आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं फंगस के थ्रू, लेकिन इसका नाम रस्ट है, लेकिन ये भी रेड रस्ट ऑफ टी जो कि होता है किसके कारण, एक एल्गी के कारण होता है, इसीलिए क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिफिलोरस नाम होता है इस एल्गी का। नेक्स्ट वन इज़ थर्मोफाइटिक एल्गीज। थर्मोफाइटिक का मतलब, थर्मो मींस टेम्परेचर, फाइटिक मींस प्लांट्स, हाई टेम्परेचर लाइक 50 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हॉट स्प्रिंग्स में जो प्रेजेंट एल्गीज होती हैं दे आर नोन एज थर्मोफाइटिक एल्गीज, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनकोकस, हेट्रो हॉर्मोगोनियम, all these are algae, they are present in the high temperature. तो आज आपने देखा कि एल्गी जिसको हम बहुत ही सिंपल ग्रुप मानते हैं और हम ये मानते हैं कि दे आर एक्वेटिक इन नेचर, पानी जहाँ होगा वहाँ काई होगी, शैवाल होगी, एल्गी होगी, लेकिन एल्गी बहुत सारे अनयूजल हैबिटेट में भी प्रेजेंट होती है।